कि जिन्होंने आपके पिताजी का तस्वीर बाहर फेंकवाया, चिराग कैसे थे कि वो चले गए वहाँ? सवाल तो उठता है। लालगंज में जीत हो गई, आपने समर्थन दिया, अब कुड़नी पे सबके ध्यान है। चिराग पासवान जी जाएंगे प्रचार करेंगे आप कुड़नी में भी, आप देखिएगा। और इस बार तो कुड़नी में मजा और आएगा क्योंकि जनता दल यूनाइटेड स्वयं अपने सिंबल पर वहाँ पे चुनाव लड़ रही है। 2020 में अकेले रह के भी चिराग पासवान ने जनता दल यूनाइटेड और उनके प्रत्याशियों को बता दिया था। चिराग पासवान जिसने भाजपा को एक चिराग वाली उम्मीद दी कि हाँ भाई बिहार में कुछ हो सकता है, महागठबंधन में नीतीश कुमार जाने के बाद भी। गोपालगंज में जीत हो गई, आपने समर्थन दिया, अब कुड़नी पे सबके ध्यान है। चिराग पासवान जी जाएंगे प्रचार करेंगे आप? बिल्कुल जाएंगे भाई, क्यों नहीं। ये बात हम लोग पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के लिए रहेगा। हम लोगों ने मोकामा और गोपालगंज में भी, और मुझे खुशी है गोपालगंज में तो जहाँ एक तरफ जीत हुई, वहीं मोकामा में जिस तरीके से हम लोग का प्रदर्शन रहा है, मोकामा पिछली बार भी, और ये चिंता का विषय महागठबंधन के नेताओं के लिए होना चाहिए। पिछली बार भी मोकामा में जब राजद अकेले महागठबंधन की तरफ से, अकेले मतलब कांग्रेस वगैरह ये लोग बिना नीतीश जी के जी, जब लड़ी थी तब भी ये लोग 78,000 पाए थे, और इस बार नीतीश जी के जाने के बाद मात्र इनका 600-700 वोट बढ़ा, 79,000 कुछ 100 पर ये लोग आए हैं। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का वोट गया कहाँ? पिछली बार जब वो एनडी की तरफ से लड़े थे हमजा, उस वक्त उनको 40,000 वोट आया था, तो वो 40,000 वोट ऐड होना चाहिए था ना। 1,00,000 के आसपास अगर अनंत जी जाते तो हम लोग मानते कि भैया मोकामा की इनकी एक बड़ी जीत हुई है, और वहीं पे क्या कोई महागठबंधन का नेता बोल सकता है कि वो उनकी जीत है? दिल पे हाथ रख के, ये एक व्यक्ति विशेष की जीत है। इसी तरीके से कुड़नी में भी आप देखिएगा, और इस बार तो कुड़नी में मज़ा और आएगा क्योंकि जनता दल यूनाइटेड स्वयं अपने सिंबल पर वहाँ पे चुनाव लड़ रही है। 2020 में अकेले रह के भी चिराग पासवान ने जनता दल यूनाइटेड और उनके प्रत्याशियों को बता दिया था, और इस बार तो भारतीय जनता पार्टी साथ। अच्छा, सबके मन में यही सवाल चल रहा है ना, अभी तक आपने बताया नहीं है, अचानक से रातों रात में चिराग भाजपा के साथ हो लिए, ठीक है एक दो दिन पहले प्रचार करने आ गया, ऐसा क्या बात हुआ था भाई? रातों रात तो नहीं, लंबे समय से भाजपा के कुछ नहीं था, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से एक लंबे समय से बातचीत चल रही थी। एंड हैविंग सेड इट ऑल, मतलब ऑन एंड ऑफ तो मैं हमेशा भाजपा के साथ तो मैं रहा ही हूँ, मेरी लड़ाई सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, उसके अलावा मैंने ना कभी किसी को लेकर कोई एतराज़ दर्ज कराया, ना मेरी कभी किसी को लेकर समस्या थी। 2020 का चुनाव मैंने पूर्णतः मुख्यमंत्री जी के समक्ष, उनके सामने, उनके प्रत्याशियों के सामने लड़ा, ना कि भाजपा के सामने। तो एक लंबे समय से बातचीत चल रही थी, गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात के बाद इसकी घोषणा की गई। अच्छा, एक और सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि चाचा भी वही है भाजपा में, अभी एनडीए में आप भी हैं, 2024 में चाचा भतीजे साथ रहेंगे भाजपा के साथ, या फिर आपकी डिमांड है कि नहीं भाई हम अकेले आएंगे तो आ रहे हैं? डज इट रियली मैटर यार, डज इट मैटर, ये प्रश्न ही नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लंबी लड़ाई है भाई। अच्छा, वो लोग कह रहे हैं, एक आखिरी सवाल पूछ लूं, कि जिन्होंने आपके पिताजी का तस्वीर बाहर फेंकवाया, चिराग कैसे थे कि वो चले गए वहाँ? सवाल तो उठता है भाई। चिराग पास अपनी पर्सनल लड़ाई नहीं लड़ रहा ना, मैं अपने घर की, अपने रिश्तेदारों की, मैं ये लड़ाई नहीं लड़ रहा, मैं बिहार की लड़ाई लड़ रहा हूँ भाई। मेरा जो विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, मैं एक लंबी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मुझे अगर व्यक्तिगत हितों को देखते हुए निर्णय लेना होता तो मैं 2020 में अलग ही क्यों होता? मैं मुख्यमंत्री जी के सामने नतमस्तक होता, 15 सीटें दे रहे थे, 12-13 मेरे विधायक जीत कर आते, 2-3 बिहार में मंत्री बनते, मैं खुद केंद्र सरकार में मंत्री होता, ये व्यक्तिगत हित देखता तो। मैंने उस वक्त भी प्रदेश का हित देखा क्योंकि मैं नहीं मानता था 7 निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है, इसलिए मैं उनसे अलग हुआ। और आज भी मैं व्यक्तिगत हित नहीं देख रहा हूँ, मेरी घर की लड़ाई नहीं है, मेरे खाने पीने की लड़ाई नहीं है, मेरे रिश्तेदारों की लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई बिहार को लेकर है और बिहार के हित में लिया गया ये फैसला। जो लोग आपको मानते हैं वो बस ये जानना चाह रहे हैं कि 24 से पहले चिराग मंत्री बन रहे हैं कि नहीं, हाँ या ना भाई? फिर वही बात, ये सवाल है एकदम, ये सवाल है। आपके जानने वाले चाहने वाले लोग बड़ा कमेंट करते हैं कि मेरे चाहने वाले लोग चाहते हैं कि बिहार में जल्द बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। चलिए ठीक है, तो चिराग पासवान जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के साथ थे, आज भी कह रहे हैं कि मेरा अपना पर्सनल हित कुछ नहीं है, हाँ जो भी है बिहार के लिए है। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे, और कुड़नी में जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये कहानी है। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे, धन्यवाद।